वीकेंड पे इंडिया में एक शादी हुई जो कि सारों ने अटेंड की, मतलब मैं दुनिया में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए, उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। इस वक्त मुंबई में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो रही है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की सेलिब्रिटीज मौजूद है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर सब पहुंचे हुए हैं। बहुत से इंटरनेशनल स्टार और प्रभावशाली लोग भी शामिल हो रहे हैं। शादी चकाचौंध देखकर सब यही पूछ रहे हैं कि शादी में मुकेश अंबानी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पैसे की बेतहाशा नुमाइश देखी गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनंत और राधिका की शादी की मजमू इलाकत 4 से 5 हजार करोड़ भारतीय रुपयों के दरमियान है। लेकिन इससे भी हैरानकुन अमर ये है कि 5 हजार करोड़ अंबानी फैमिली के सारे जायदाद का 0.5% हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट्स करने वाले ग्रुप्स हैं दुनिया के, जो कि यूएई और सऊदी अरेबिया और कुवैत के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भी आ रहे हैं इस शादी के अंदर, और मॉर्गन स्टैनले के भी MD इस वेडिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनले के MD भी अगर अंबानी के वेडिंग में आएंगे तो फिर बिजनेस किसका चलेगा, मैंने कहा दसो। बड़े दुनिया के CEO जा रहे हैं, मतलब हमारे साथ, ये 50 किलोमीटर तो भारत है, ठीक है, वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमने उन चीजों को आम क्यों नहीं किया कि वहाँ पे लोग जा रहे हैं, हमारे मुल्क में नहीं आ रहे। तो हमारे कुमरानों में और उनके कुमरानों में फर्क है, उनके अवाम और हमारी अवाम में भी फर्क है। दरअसल हमारे हुक्मरान है जाहिल, उनके हुक्मरान जो है ना वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। पैसे जो थे ऐसे लुटाए गए, परफॉर्मेंसेस बाय आर्टिस्ट जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने 2-3 घंटों की परफॉर्मेंस के लिए डॉलर लिए उन्होंने, 80 लाख डॉलर्स, और साथ में बहुत बिजनेस डील्स भी की हैं लोगों ने, जाहिर है इट इज द बिगेस्ट बिजनेस फैमिली। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी कल रात राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। यह शादी जियो के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई, जहां देश और दुनिया की नामी हस्तियां दिखाई दी। दोस्तों, ये शादी पिछले कई महीनों से चर्चा में बनी हुई थी, जिसमें रिहाना, जस्टिन बीबर से लेकर टैग दिग्गज बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग इस जोड़ी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके थे। दोस्तों, कल होने वाले कार्यक्रम में भी इंटरनेशनल मेहमानों की कमी नहीं थी। विदेशी मेहमानों की इस लिस्ट में कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति और उद्योगपति के नाम शामिल है। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलारी क्लिंटन शामिल थी। इसके अलावा तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया हसन, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर, स्वीडन के पूर्व PM कार्ल बिल्ड्स को भी न्योता भेजा गया। इसी के साथ किम किर्दार्शियन, जॉन सीना, डेविड बैकहम, JP मॉर्गन और माइक टाइसन जैसे दिग्गज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और इस शादी पर लगने वाली कुल लागत 5 हजार करोड़ से भी अधिक थी। तो चलिए, भारत की सबसे बड़ी वेडिंग पर हम आज पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एशिया की सबसे बड़ी शादी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कितना पैसा खर्च हुआ? अगर आप सोशल मीडिया सारिफ हैं तो यकीनन आपने भी एशिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पैसे की बेतहाशा नुमाइश देखी। इस शादी के लिए जहां बॉलीवुड की बड़ी बड़ी शख्सियात आज मुंबई पहुंची हुई हैं, वहीं हॉलीवुड की शख्सियात जिनमें जस्टिन बीबर और रिहाना को परफॉर्मेंस देते देखा जा चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आज 12 जुलाई को शादी के बंधन में बन जाएंगे। अनंत की प्री वेडिंग तकरीबात रवा साल मार्च में गुजरात के जामनगर में शुरू हुई थी। प्री वेडिंग तकरीबात का दूसरा हिस्सा जून में इटली से फ्रांस जाने वाले एक वसी और अरेज क्रूज में मुनक्द किया गया, तो दूसरा और आखिरी हिस्सा अब मुंबई में मुनक्द किया गया है। लेकिन क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि अनंत राधिका की महंगी तरीन शादी पर आने वाली लागत अंबानी खानदान की मजमू जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं है? भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनंत और राधिका की शादी की मजमू लागत 4 से 5 हजार करोड़ भारतीय रुपयों के दरमियान है। लेकिन इससे भी हैरानकुन अमर ये है कि 5 हजार करोड़ अंबानी फैमिली के सारे जायदाद का 0.5% हिस्सा है।
वाजा रहे कि फॉर्ब्स के मुताबिक 2024 में मुकेश अंबानी की जायदाद की मजमू मालियत 123.2 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगरचा अंबानी खानदान एक शादी पर 4,000 से 5,000 करोड़ भारतीय रुपए खर्च कर रहा है, जो कि नाकाबले तसव्वुर हद तक ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यह रकम आम खानदानों की जानिब से शादियों पर खर्च की जाने वाली रकम से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खानदान अपनी शादियों पर अपनी दौलत का इससे ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं और इस मुकाबले में अंबानी खानदान ने बेपनाह दौलत के बावजूद उसका कम फीसद शादी पर खर्च किया है। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं और आज का दिन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बेशक उनके जो अब देखिए ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा कंट्री जहां पर होगा, शायद उनके लिए ये वाली खबर इतनी बड़ी ना हो जितनी के दुनिया के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो जाएगी, हो ही जाएगी, आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी। लेकिन इस पे हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत इसको इस उससे देखा जा रहा है कि आपको अगर हम ये बताएं कि उनकी जो गेस्ट लिस्ट है, तो इंडिया में जो जो पहुंच रहा है उसके अंदर एक तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है जी, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोरिस जॉनसन का नाम शामिल है गेस्ट लिस्ट में, जो है इंडिया पहुंच रहे हैं और इनको बुलाया गया शादी में। फिर इसी के साथ हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम, दुनिया की दो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, ये भी अंबानी की शादी में आज इन्वाइटेड हैं, आज ये पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ जिस पर्सनैलिटी का, कि वो इंडिया पहुंच चुकी है और जब वो पहुंची है इंडिया तो उनको जैसे वेलकम किया गया है और लोग उनके पीछे जिस तरीके से क्रेजी हैं, तो वो हैं किम कार्डेशियन। अब किम कार्डेशियन वैसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उनको बताते चलें कि ये एक सोशलाइट हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी है दुनिया की जो कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। देखें आपको मैं इनकी नेटवर्थ बताऊं तो 1.7 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ कही जाती है और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है, अपना एक शो भी करती हैं, तो बहुत से लोग ये जानने के, वैसे तो जाहिर है कि अगर वो अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचेंगी तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि सब ये कहेंगे कि क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने पूरी दुनिया की इस पर्सनालिटी को बुलाया हुआ है तो वो भी एक उनके गेस्ट में शामिल है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इनके इंडिया पहुंचने के कुछ और रीजंस भी हैं, और वो ये हैं कि किम कार्डेशियन जो है वो अंबानी की शादी में इसलिए पहुंची है क्योंकि वो अपना एक प्रोग्राम करती हैं और उस प्रोग्राम में वो इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रही हैं, अनंत अंबानी की शादी को। जैसे कि मैं देख रही थी तो इसमें कहा गया कि जब किम पहुंची हैं, किम कार्डेशियन, उनके साथ उनकी मेरा ख्याल सिस्टर भी हैं, तो उनको पूरे इंडिया के जो एक ट्रेडिशनल वे है टीका लगाकर उनको और जैसे आरती उतारते हैं उस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया। लेकिन वो अपने जो हुलू रियलिटी शो है उसमें वो चलाएंगी ये शादी, तो इस शादी को वो डॉक्यूमेंट करने के लिए पहुंची हैं। अब देखिए आप ये देखें कि फिर ये इस वेडिंग के जो हम बात कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दुनिया की जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं वो इस वेडिंग को अपने लिए एक सेलिब्रिटी समझ रहे हैं।